आप उसके पीछे देखिए ना, ये जो नाम रख दिया इतने बड़े, इतने तो प्रोनाउंसिएशन भी नहीं होता इनका। आप ये है क्या, ये है क्या? तो आपको बोलेंगे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता क्या है ना? ऐसे नाम तो बोल दिया ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, क्या इम्यूनिटी आपको मारने के लिए है? बोलेंगे इम्यूनिटी आपको नुकसान कर रही, ऐसा तो नहीं हो सकता। इम्यूनिटी तो आपको बचाने के लिए है, लेकिन वो आपका नुकसान क्यों करने लग गई? वो आपका नुकसान कर नहीं रही है, वो फंस गई। आपने उसको उसका काम नहीं करने दिया। तो मैं आपको छोटे छोटे एग्जाम्पल लेके बताता हूं। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर ठीक हो सकता है, 100% ठीक। तो मैं आपको कुछ एग्जाम्पल लेके बताता हूं। कोरोना कई लोगों को हुआ होगा ना, यहाँ पे बहुत लोगों को हुआ। तो जैसे ही फीवर होता है कोरोना में, तो आपको क्या कहा जाता है, क्या बोलते हो, आप क्या लेते हैं? आपके घर में भी पड़ा होगा ना वो पैरासिटामोल, हर एक घर में होगा ना, है ना? हर एक घर के अंदर डोलो है ना, क्रोसिन, पैरासिटामोल हर एक घर में होगा। तो आपका शरीर कोरोना को मारेगा कैसे, पहले ये सोचिए। जस्ट थिंक अबाउट इट, बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। टेम्परेचर 5 डिग्री बढ़ाया, कोरोना मर जाएगा। पर आप क्या करेंगे, आप टेम्परेचर नहीं बढ़ने देंगे, आप पैरासिटामोल खाके टेम्परेचर कम कर दोगे, यानी अपने शरीर को आप ठीक नहीं करने दोगे। अच्छा, आपके शरीर सफाई करना चाहेगा, दस्त कराएगा है ना, लूज मोशन। तो आप क्या करोगे, एक खा लोगे ना O2 या इस तरीके के नॉरफ्लॉक्स TZ, ऐसा कुछ खा लोगे। आप क्या करोगे, नहीं होने दोगे सफाई अपनी, उल्टी आएगी आपको। तो आप क्या करेंगे उल्टी बंद कर देंगे, करेंगे ना? दर्द किया शरीर ने, ये जो दर्द की गोलियां होती हैं NSAID, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग, ठीक है ना? अगर दर्द क्रिएट किया, आप क्या करेंगे, काट देंगे उसको, रेड लाइट को तोड़ देंगे। दर्द का रीजन आप क्योर नहीं करते, क्योंकि आप कर ही नहीं पाते, दवाई से होता ही नहीं ऐसा। तो आप दर्द का साइकिल काट देते हो। तो आप टॉर्चर कर रहे हो बॉडी को कि नहीं? आपकी जितनी दवाइयां हैं वो किस प्रिंसिपल पे काम करती हैं, रिसेप्टर बाइंडिंग मैकेनिज्म, यानी किसी चीज आपके सेल्स के साथ में चिपक जाती हैं और वो जो करना चाहता है उसे नहीं करने देते हैं। तो एक बड़ा गंदा सा एग्जाम्पल लूं, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। एक गंदा सा एग्जाम्पल देता हूं, एक फीमेल, फीमेल बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। एक आदमी एक फीमेल का रेप करना चाहता है और वो नहीं करने देना चाहती, तो क्या करता है, उसे ऐसी नशे की दवाई खिलाता है जिससे उसका अपने हाथ पांव पे बस नहीं रहता, और वो कुछ जो मनमानी चीज कर लेता है। आप इसको ट्रीटमेंट बोलते हो, आप इसको ट्रीटमेंट बोलते हो, आप इसको साइंस बोलते हो। आपके शरीर के साथ में भी तो ये किया जा रहा है। अगर ये साइंस है तो इससे खराब चीज क्या हो सकती है, आप बताइए? आपके शरीर का रोज रेप हो रहा है ना, जब डायबिटीज की दवाई खाते हैं, ब्लड प्रेशर की दवाई खाते हैं, तो यही हो रहा है आपके शरीर के साथ, जबरदस्ती कुछ करवाया जा रहा है इसको। अगर आप टॉर्चर को ट्रीटमेंट बोलने लग जाएंगे तो सारी मानवता बीमार हो जाएगी ना, वही हो रहा है, वही हो रहा है ना। आप बताइए मुझे कि जब शरीर ठीक करना चाहता है आप उसको रोक देते हैं, और जब शरीर खराब हालत में आ जाता है तो अपनी इम्यूनिटी को इंक्रीज करेगा ना, अपना व्हाइट ब्लड सेल बढ़ा देगा आप शरीर, आप क्या कहेंगे, नहीं नहीं खराब कर दिया, गलत कर दिया। आप जरा हाथ पे खरोच मार लो, जलन होगा ना, जलन होगा ना, थोड़ा घी लगाओ, जलन कम हो जाएगा ना। तो आप एक केमिकल बॉम्ब अपने शरीर में छोड़ते जो वो आपके लिवर में फूटता, लिवर को जलन होता, तो थोड़ा फैट क्रिएट करता जलन को कम करने के लिए। आप क्या कहते हो, फैटी लिवर, कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है वो, ट्राइग्लिसराइड बढ़ाता है, आपको आपको बचाने के लिए। आप क्या कहते हो, गलत कर दिया।
तो आपका शरीर ही सारी गलतियां करता है क्या? लाखों सालों से इसने गलती नहीं की, ये पिछले 100 साल में क्यों गलतियां करने लग गया इतनी? ये गलती नहीं करता। आपको कोई पढ़ा रहा है बेफालतू की चीजें अपना माल बेचने के लिए, और इससे आपका शरीर अब ठीक भी नहीं कर पा रहा, उसका रिकवरी, यही मैं बता रहा हूं, उसका इम्यून सिस्टम इतना खराब हो जाए, वह इंबैलेंस हो गया आपके शरीर में, रीजेनरेशन डी जनरेशन का इंबैलेंस हो गया, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो गया। तो क्या यह हमेशा रहेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप शरीर की सिचुएशन को ठीक कर देंगे, ये ठीक हो जाएगा। मगर आप सोच रहे हैं मुझे कौन सी दवाई से ठीक करना है, आज तक 100 साल में तो कोई दवाई बनी नहीं, आगे के लिए भी सपना देख रहे हैं। आपका शरीर खुद को ठीक कर लेगा, इसको मौका दीजिए, और उसके बाद धीरे धीरे करके आप दवाई हटा दीजिए अपने लाइफ से, ज्यादातर प्राकृतिक चीजों की तरफ में जाइए, ऑर्गेनिक चीजों की तरफ में जाइए, एक ऑर्गेनिक जीवन जिए, बहुत खुशहाल जीवन जिएंगे। कॉस्मेटिक जीवन कोई खुशहाल जीवन नहीं होता, गोली खा के जीता हूं वाला हिसाब जो है वो कोई अच्छा नहीं होता किसी के लिए। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर ठीक हो जाता है, कई बारी हम इतना नुकसान कर देते हैं शरीर का, ये कहता है वाइंड अप करो जी, आपको रोज कोई टॉर्चर करे, रोज टॉर्चर करे, एक दिन तो जवाब दे दोगे ना, एक दिन तो आप गिवअप कर दोगे ना, क्योंकि बस हो गया अब नहीं। आपके घर में भी रोज कोई टॉर्चर करे, एक दिन तो कहोगे नहीं बस अब नहीं साथ मेरा, बेचारा आपके शरीर की जुबान भी नहीं, बोल भी नहीं पाता, उसकी बोली यही है मुझे अच्छा नहीं लग रहा अंदर से, आई एम फीलिंग पेन, मेरी स्किन अच्छी नहीं है, किसी काम में मन, ये सब सिम्टम दिखा रहा है आपको, आप समझ ही नहीं पा रहे। तो इतना टॉर्चर ना करें अपने शरीर को, और इसकी शक्ति डेवलप करें कि ये टॉर्चर को कम से कम झेल तो ले, इवन इफ इट हैज गॉन बियॉन्ड द सर्टन थ्रेशोल्ड, अगर आपकी बीमारी चली गई है आप उससे आपको प्रॉब्लम ज्यादा नहीं हो, ये तो आप निश्चिंत तौर पे कर सकते हैं। इफ यू स्टार्ट डूइंग कुंभक, मे बी समथिंग हैपन टू योर स्किन, मे नॉट बी एबल टू चेंज 100%। ऐसा हो सकता है स्किन पे कोई कॉस्मेटिक चेंज आ गया, वो पूरा ठीक नहीं हुआ, लेकिन उसकी वजह से जो प्रॉब्लम आती है वो 100% ठीक हो जाएगा ना, वो 100% ठीक हो जाएगा, प्रॉब्लम 100% ठीक हो जाएंगी। ये तो कम से कम कीजिए, जो कर सकते हैं वो तो करो। हो सकता है कॉस्मेटिक चेंज हम नहीं ला पाए, उससे क्या फर्क पड़ता है, आपकी लाइफ तो अच्छी हो जाएगी, आगे चल के तो प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, उससे जो परेशानी हो रही थी वो तो खत्म हो जाएगी, आपका ऑटोइम्यून डिसऑर्डर तो सेटल हो जाएगा, कि वो और दूसरी जो आपका कह रहे हैं इम्यूनिटी आपको खत्म कर रही वो तो खत्म, वो तो ठीक हो जाएगा। सो व्हेन इट इज अबाउट ऑटो इम्यून डिसऑर्डर इट कैन बी करेक्टेड, जस्ट करेक्ट दिस, नो मेडिसिन कैन करेक्ट ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, लेट मी टेल यू। जीन थेरेपी करोगे और बर्बाद हो जाएगा, म्यूटेंट हो जाओगे, म्यूटेंट हो रहे हैं हम सारे के सारे, बिकॉज वी आर टू मच डिविएटिंग आर जेनेटिक्स थ्रू केमिकल्स। केमिकल्स शरीर पे भी लगाते हैं, केमिकल्स खाते भी हैं, केमिकल्स हमारे जीवन में इतना आ गया है कि हमारे जेनेटिक्स जो है डिविएट कर रहा, द ह्यूमन जीनोम इज डिविएटिंग, वी आर बिकमिंग म्यूटेंट, एंड दैट टू नॉट अ वेरी पावरफुल म्यूटेंट, अ डिजीज्ड म्यूटेंट, एक बीमार म्यूटेंट बन रहे हैं। वो मत सोचिए आप, एक्समैन देखो जरा हॉलीवुड मूवी, तो मेरे पास तो पावर है, वो वाला म्यूटेंट नहीं बन रहे हम, जो जी नहीं सकता, जो सांस नहीं ले सकता, जो खा के हजम नहीं कर सकता, हम बीमार वाले म्यूटेंट बन रहे हैं। इससे बहुत तेजी से बहुत जल्दी इसकी समझ हमारे अंदर आनी चाहिए, और आप लोग सभी बुद्धिमान लोग हैं, है ना, जो आपको पढ़ाया जा रहा है उसकी बजाय अपनी बुद्धि का इस्तेमाल।